होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आप लोगों से। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था यूनिकॉर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पे, BCA फर्स्ट सेमेस्टर ऑल यूनिवर्सिटी ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस डिस्कस, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि अपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में कि मैम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए। तो उसी के लिए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर 2024 और 25 में। ओके, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए डियर आप लोग अपने इस परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु से जुड़ जाइए, इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। जो भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है डियर आप लोगों का, अभी काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट किए थे बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो उन लोगों का इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि आज हम लोगों के लिए उन लोगों के सारे कमेंट के आंसर यहाँ पे हम लेके आए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और उसमें क्या क्या सिलेबस है। ओके, देखिए फर्स्ट आपका आ जाता है यूनिवर्सिटी द नेवोटिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेवोटिया यूनिवर्सिटी है, इसमें देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 2024-25 में हमारे क्या क्या सिलेबस है आपका। ओके, तो डियर इसमें देखते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। ओके, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम ये आपका आ जाता है फर्स्ट नंबर पे, ये नेवोटिया यूनिवर्सिटी में ये आपके सिलेबस हैं। सेकंड आपका आ जाता है मैथमेटिक्स, मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन के, आपके ऐप के डिस्क्रिप्शन में हमारी फर्स्ट वाली जो वीडियो है उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स उसमें कुछ यूनिवर्सिटी के थे, और ये जो आपका सेकेंड पार्ट है ये आपका, इसमें आप लोगों को जो बच्चों ने उस वीडियो में कमेंट किया था उन सारे कमेंट के आंसर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो, तो बिल्कुल भी इस वीडियो से जुड़ेगा, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं मिलेंगी आप लोग को, और उसमें क्या सिलेबस है वो आपको मिलेगा। जो भी स्टूडेंट बीसीए की तैयारी कर रहे हैं या अभी चाहते हैं 2024 या 25 में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है। ओके, सेकेंड आपका इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। मैंने बताया था ना आप लोगों को वीडियो में कि जो कुछ आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका फंडामेंटल हो गया, सी हो गया, मैथ हो गया, बस डियर आप लोगों के नाम चेंज होते हैं लेकिन चीजें वही रहती हैं, थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, फिर आपका आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये जो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसमें दिया गया एंड मतलब आप लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको दोनों ही इसमें से पढ़ना है, दोनों में से आप कोई भी पढ़ सकते हैं लेकिन आप दोनों पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे थे आपके द नेवोटिया यूनिवर्सिटी में, ये आपके सिलेबस थे फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बस आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओके, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अगर बीसीए पढ़ रहे हो तो वो लोग ज्यादा परेशान ना हो। ओके, चलिए सेकंड नंबर पे देख लेते हैं हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी आ जाती है डियर। सेकंड नंबर पे आपकी आ जाती है सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी। ये बच्चे कमेंट किए थे कि मैम हमें सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताइए कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो डियर चलिए देख लेते हैं, आपका आ जाता है फर्स्ट नंबर पे बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है इसमें सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। यही क्या होता है कि अदर यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन हमारे सेकंड सेमेस्टर में होते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन आपको ये जो सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी है इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देन बिजनेस कम्युनिकेशन दोनों ही हमें पढ़ना है। ठीक, फिर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम ये आपको पढ़ना है। फिर हम फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ये आपका आ जाता है। फिर बिजनेस अकाउंटिंग, आपको देखिए इसमें अकाउंटिंग भी पढ़ना, और अभी क्या होता है कि अकाउंटिंग जो होता है थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में होता है अदर यूनिवर्सिटीज में, लेकिन अभी क्या है सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटीज में हमें यहीं पे आपको अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सारा ही पढ़ना है। ओके, एंड आपका लास्ट नंबर पे आता है कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क। अभी आपका वर्क है यानी आपका जो प्रैक्टिकल का करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल का पोर्शन मिलेगा। तो ये हमारे कुछ टॉप पॉइंट्स थे सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी में। ओके, अब देख लेते हैं हमारा अब देखिए आपका अमरावती यूनिवर्सिटी, ये सारी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये हमारे फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उन सारे वीडियो में ये सारे बच्चों के कमेंट थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के कमेंट हो तो उसके आंसर आप लोगों को मिलना चाहिए, ये आप लोगों का हक है भाई। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताया, तो ये अमरावती यूनिवर्सिटी आ जाता है डियर। अमरावती यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं कौन से ऐसे हैं, आपका फर्स्ट नंबर पे आता है कंप्यूटर फंडामेंटल। फंडामेंटल जो होता है आपका बेसिक होता है ये सारी यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा, बस आपके थोड़े नाम कहीं पे आईटी के नाम से आ जाएगा, कहीं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के नाम से आ जाएगा, चीजें वही होती हैं, थोड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, फिर सी प्रोग्रामिंग आपका आता है, सी प्रोग्रामिंग वही सी लैंग्वेज एंड सी प्रोग्रामिंग है आपका। फिर डिजिटल टेक्निक्स हो गया,
फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड्स, आपका मैथमेटिक्स है आपका, ओके। फिर आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो होता है, अभी देखिए इग्नू का सिलेबस, इग्नू में आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन क्या है अमरावती यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स भी पढ़ना है आपको, ओके। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस आपका इंग्लिश है, आपको ये इंग्लिश के नाम से भी रहेगा, इंग्लिश टू के वन के नाम से रहेगा, तो यहाँ पे क्या है कम्युनिकेशन इंग्लिश के नाम से आपकी अमरावती यूनिवर्सिटी में। तो ये थी अमरावती यूनिवर्सिटी के सिलेबस, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जो भी मैं यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कंटेंट है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको चीजें, ओके। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट हमारा क्या है आपका, ये आ जाता है आपका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में क्या क्या पढ़ना है आपको, मैथमेटिक्स फर्स्ट, देखिए अभी यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से भी वही मैथल, बस आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से। फिर आपका आ जाता है इनहेंसियल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वही आपका इंग्लिश है, बस नाम देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, अभी नाम चेंज हो गया, बच्चे परेशान, मैम यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, टॉपिक वही होता है, कंटेंट वही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ, बस नाम चेंज हो गया, बच्चे परेशान हो गए, ओके। तो ये चीज देखिए प्रोग्रामिंग इन सी, अभी हमने यहाँ पे अभी आगे पढ़ा था हमने कि सी लैंग्वेज के नाम से था या प्रोग्रामिंग सी था, अभी देखिए प्रोग्रामिंग इन सी के नाम से, तो वही आपका सी लैंग्वेज है। फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, आपको फंडामेंटल ही पढ़ना है, उसमें कुछ आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो सारी चीजें बताई जाएगी। फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ये नया सिलेबस मैं बताई थी, भी नेक्स्ट वीडियो आप जाकर के वो वीडियो भी देखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स के उसमें सारे सिलेबस होंगे वो डियर वहां से देख लेंगे, और जिनको ये सारे अगर ये वो सारी यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं तो यहाँ से वो इस सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देख सकते हैं आसानी तरीके से। एनवायरमेंटल साइंस ये आपका न्यू सिलेबस आया है, ओके। सी प्रोग्रामिंग का लैब, यहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी के बाद अब हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग का लैब, लैब में क्या है, कोडिंग वगैरह क्या है, कैसे करना है, तो वो चीजें जब आप क्लासरूम में पढ़ेंगे अपने कॉलेज में, अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लिए हुए हैं किसी कॉलेज में, आप डेली जा नहीं पा रहे, तो उनके लिए भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका जो अपना परिवार है यूनिक ऑनलाइन गुरु, ये आपको कंप्लीट बीसीए की क्लासेस कराते हैं, तो आप घर बैठे भी बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं बीसीए की, ओके। तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का लैब आपको कराया जाएगा, बेसिक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का लैब आपको कराया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको मिली हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी में, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में, तो ये चीजें हो गई, ओके। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है, इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसके बाद डियर आपकी यूनिवर्सिटी आ जाती है डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर, यानी कि दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कहाँ पे है, गोरखपुर में। इसमें देख लेते हैं कौन से, इसमें देखिए ओनली 4 आपके पॉइंट्स हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने का, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है आईटी टूल्स एंड एप्लीकेशन, वही आईटी टूल्स यानी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल, वही आपका, बस नाम थोड़ा सा चेंज है, ठीक। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का क्या सिद्धांत है, वही मैथमेटिक्स, बस यहाँ पे क्या दे दिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, ओके। वही आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स 1 है, ओके। तो ये आ जाता है फंक्शनल इंग्लिश, आपका आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश, इंग्लिश फर्स्ट, ये चीज। फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी, वो आपका कंप्लीट सी लैंग्वेज है, पूरा आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक इसमें सी लैंग्वेज की पूरी कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें आपको कराया जाएगा। तो ये थी हमारी डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, ये आपके 4 पॉइंट्स थे, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जो भी मैं आपको सारी चीजें बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में सारा कम्प्लीटली देख लेते हैं, चीजें क्या है और कैसे है, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या है, ओके। अब देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बाद हमारी कौन सी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है, BBSPU, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये आपकी कहाँ पर है डियर, ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो जौनपुर में है, ओके। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी जौनपुर में, और इसमें देख लेते क्या है, ठीक है। ये आपका आई थिंक आपके फर्स्ट वीडियो में भी ये होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे यहाँ भी स्टडी कर रहे हैं और वो सारी चीजें, तो इसमें आपको पीसी सॉफ्टवेयर पढ़ना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड सी लैंग्वेज पढ़ना, वही आपका सी लैंग्वेज हो गया डियर। फिर फंडामेंटल्स ऑफ आईटी हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपका। फिर आपका आता है प्रोग्रामिंग सॉरी पीसी सॉफ्टवेयर लैब के बारे में, आपको यहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ा, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लैब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी का लैब, सी का हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ा, अब यहाँ पे हम लोग सी का लैब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी में है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में हमें ये सिलेबस पढ़ना है, ओके। अब देख लेते हैं इसके बाद हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी आ जाती है, नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी आ जाती है रानी चिन्नामना यूनिवर्सिटी, ओके। इस यूनिवर्सिटी में देखते हैं क्या आ जाता है, इसमें आपके
इसमें आपके 7 या 8 आपके टॉपिक है जो कि पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है डियर इंग्लिश आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से प्रोग्रामिंग इन सी आ जाता है आपका, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल आ गया, वही आपका कंप्यूटर। मतलब मैंने बताया ना, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, सारी यूनिवर्सिटी में आपके वही सिलेबस होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो बच्चे परेशान, तो डियर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी करिए। तैयारी में आप लोगों को करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कॉलेज दूर होता है या फिर कॉलेज में अच्छी स्टडी नहीं हो पा रही है, किसी भी कारणवश आपको परेशान नहीं होना है। आपका अपना परिवार है, अपने परिवार से आप जुड़िए, आपको कंप्लीट यहाँ पे क्लासेस कराई जाएंगी, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कंप्यूटर के कोर्सेस कर रहे हो, सारा आपको मिलेगा यहाँ पे। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स फर्स्ट है आपका। उसके बाद आपका आ जाता है सी प्रोग्रामिंग का लैब। थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद उसका लैब भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीसीए करने के बाद अगर आप अपनी किसी भी कोडिंग में अपना बेस्ट कमांड बना लेते हैं तो आप आराम से अपनी जॉब कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। क्योंकि आपका कोडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप अगर बीसीए का कोर्स करते हैं, ठीक है। किसी भी आप, जैसे आपका पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सीएसएस हो गया, किसी भी आप कोडिंग में बेस्ट कमांड अपना बना लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा डियर। ओके, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल के लैब आपको करना होगा, ऑफिस ऑटोमेशन के लैब आपको करने होंगे। तो ये थी हमारी रानी चिन्नामणि यूनिवर्सिटी में आपको ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ओके, जो भी स्टूडेंट अगर एडमिशन ले चुके होंगे बहुत अच्छी बात है, जो लोग अभी लेना चाहते होंगे तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। तो वीडियो को बीच में स्टॉप नहीं करना, हमें स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो को देखना है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल भी आप लोग जाइए कमेंट सेक्शन में, हमें कमेंट करिए, हमारी टीम उस कमेंट को आपको देखेगी और उसका आपको रिस्पॉन्स करेगी। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है SNDT। ओके, यानी कि आपका आ जाता है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ओके, इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा नाम जो इसका लंबा है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। खास करके ये गर्ल्स के लिए, यानी वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, जैसा कि आप नाम से समझ ही सकते होंगे, तो वो गर्ल्स के लिए बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन वुमेन्स यूनिवर्सिटी है ये। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको पढ़ना है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल। ओके, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर आपका थर्ड आ जाता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। सी लैंग्वेज है आपका, ये आपका इंग्लिश है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए अभी मैंने आगे भी देखा था कि सेम यही चीज था, कंप्यूटर फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अभी मैंने आगे एक यूनिवर्सिटी थी, आई थिंक द न्योतिया यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था। तो ये देखिए, आप लोग एक बार फिर से वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ओके, अभी या फिर मैं खुद ही बता दूंगी आप लोग को। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी लैब, मतलब हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ा था प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सी का, अभी यहाँ पे हमको उसका प्रैक्टिकल करना है। ओके, तो ये थे आपके SNDT यूनिवर्सिटी, यानी कि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे वुमेन्स यूनिवर्सिटी में हमें ये सारे आपके बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ओके, अब देख लेते हैं कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी, MDU यूनिवर्सिटी, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आपकी हो जाती है, जिसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, वो आपका सेम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर IT हो जाता है। पीसी सॉफ्टवेयर पढ़ना है आपको, फिर आपके मैथमेटिक्स आ जाता है, डियर हमें मैथमेटिक्स पढ़ने होते हैं, फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आपका ये आपको पढ़ना होता है, ठीक। फिर प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर लैब बेस्ड ऑन पेपर वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, अब ये आपको पढ़ना है आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर के लैब। अब जिसमें लैब में आपको बेस्ड ऑन जैसे कि आपको वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। जैसे कि वर्ड पे हम लोग रिज्यूमे बनाना हो गया, बायोडाटा बनाना हो गया, टाइपिंग भी हम लोग जो भी आपकी इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग होती है हम लोग MS वर्ड पे यूज करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। एक्सेल होता है किसी भी स्टूडेंट का डाटा एंट्री करना हो गया, हमें मार्कशीट बनाना होता है तो कुछ फॉर्मूला होता है उसके रिगार्डिंग आपको एक्सेल का यूज करना पड़ता है। फिर आपका आता है पावर पॉइंट, यानी कि प्रेजेंटेशन PPT बनाने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो भी स्टडी कराते हैं सारी चीजें, तो हमारी किसके रिगार्डिंग होती है, PPT। जितने अच्छे आप अपनी PPT या सारी चीजें कंटेंट को बेस्ट करेंगे तो वो सारी चीजें आपका पावर पॉइंट में आता है, तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने देखा MDU यूनिवर्सिटी में हमें ये सारे आपके पढ़ने हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी में क्या है हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है फर्स्ट, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT पढ़ना है आपका, इन्फॉर्मेशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस।
अब देखिए यहाँ पे क्या आपका सी और सी प्लस प्लस है, ओके तो आपको सी भी पढ़ना होगा और सी प्लस प्लस भी आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है आपका, इंग्लिश आ जाता है आपका, प्रोग्रामिंग लैम सी एंड सी प्लस प्लस। यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ने के बाद सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस का, सी और सी प्लस प्लस का हमें आपको लैब भी करना पड़ेगा। आपका फिर यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज का लैब। ये आपको सारी चीज जब आप क्लास में स्टडी करेंगे तो आपको टीचर्स आपको वहाँ पे बताएंगे चीजें क्या है कैसे है। ओके, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको क्लासेस दी जाएगी। ओके, तो ये थी रांची यूनिवर्सिटी के कुछ सिलेबस। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सिमेज कॉलेज पटना। ठीक है, सिमेज कॉलेज पटना में देख लेते हैं क्या है। बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, वही मैथमेटिक्स है। कहीं पे मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से रहेगा, कहीं पे बेसिक मैथमेटिक्स। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ठीक है, बाकी जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा चीजें क्या है और कैसे है। बाकी किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप हमें वहाँ से कॉल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के बारे में आपको मिलेगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग है, पाइथन लैंग्वेज मैंने अभी बताया आपको। देखिए अभी क्या है कि सिमेज कॉलेज पटना में हमें बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना, मतलब जो आपकी सी लैंग्वेज थी, अभी तक हम लोग सी लैंग्वेज देख रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस यूनिवर्सिटी में आपको सी लैंग्वेज की जगह पे हमें क्या है पाइथन लैंग्वेज, हमें यानी कि इस यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमें वहाँ पे सी लैंग्वेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें वहाँ पे पाइथन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से अगर आपका क्या पता आपके सेकंड सेमेस्टर में इस यूनिवर्सिटी में आपकी सी लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन अभी क्या हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, पाइथन लैंग्वेज पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, ये आपका देखिए इसमें आपका देखिए सी, मतलब इसमें सी भी पढ़ना है, सॉरी डियर, आपको इसमें सी भी पढ़ना है और आपको पाइथन, यानी दोनों लैंग्वेज आपको सिमेज कॉलेज पटना में हमें दोनों ही लैंग्वेज पढ़नी है, सी भी पढ़ना पाइथन भी पढ़ना। ओके, तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में है, जिसे 11वें के अभी कमेंट सेक्शन में जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें कमेंट में सुनने कमेंट किया था कि मैम अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा और राजस्थान क्या सेम सिलेबस है। तो डियर आप लोगों के सेम सिलेबस, तो आप हमारी पहली वीडियो भी जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पड़े हुए हैं, और आप इस वाला जो आपका वीडियो इसको भी देख लीजिएगा, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में देख लेते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको पढ़ना होगा, उसके बाद से प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया जाएगा, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको बताया जाएगा, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का लैब। पहले हमें थ्योरी पढ़ना है, यहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ा, अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लैब पढ़ना है, ठीक है, ये चीजें। फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप लैब, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये थी हमारी अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में। ऐसे ही आपका अमेठी यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी यही सेम सिलेबस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका। ओके, तो ये हमने देख लिया अमेठी यूनिवर्सिटी के सिलेबस। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा यूनिवर्सिटी और क्या उसमें पढ़ना है। आपका नेक्स्ट आ जाता है RTMNU, ठीक है, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। इसमें हमें पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में डियर कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ना है, सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, स्टैटिकल मेथड्स आपको पढ़ना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ना है। ओके, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ना है, इसमें आपको ऑफिस ऑटोमेशन पढ़ना है, फंडामेंटल ही है वही ऑफिस ऑटोमेशन, थोड़ा सा चेंज है, बाकी चीजें आपकी सेम है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, इसमें आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है, स्टैटिकल मेथड्स आपको पढ़ना है, प्रोग्रामिंग सी पढ़ना है एंड कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना है आपको, ठीक है। ये थी हमारी आपकी RTMNU यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, इसमें हमें पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड MS ऑफिस है, उसके बाद से इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज आपको पढ़ना है, वही सी लैंग्वेज है, बस आपके थोड़े से नाम चेंज है, इंट्रोडक्शन टू, यहाँ पे पूरा नाम आपका मेंशन कर दिया, कहीं कहीं पे सी लैंग्वेज के नाम से मेंशन हो, ठीक। इंट्रोडक्शन टू HTML CSS XML ये आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब ये आपको इंट्रोडक्शन के मतलब HTML के बारे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS लैंग्वेज है, XML आपके लैंग्वेज है, तो इसके बारे में आपको कम्प्लीट। मैथमेटिक्स फर्स्ट, वही बेसिक मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम पे, ये चीज आपको मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में, हमें ये सिलेबस पढ़ना। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो जाके ले सकते हैं, काफी अच्छी आपकी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छे आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा CCS यूनिवर्सिटी, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जो कि मेरठ में आपका। इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे डियर आपका आ जाता है मैथमेटिक्स आपका आ जाता है, उसके बाद से आपका प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम आ जाता है,
कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन पढ़ना पड़ेगा हमें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपका, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है आपको, इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ये आपके दो न्यू सिलेबस आए हैं 20 के फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है ये सिलेबस, कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन। अब यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे थ्योरी का पोर्शन पढ़ा कंप्यूटर फंडामेंटल में, वही पे आपको यहाँ पे अब लैब करना है। ऐसे आपको आपको प्रैक्टिकल वर्क ऑफ प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम सी लैंग्वेज का भी आपको यहाँ पे पढ़ना है लैब के बारे में, ठीक है। थोड़े से नाम चेंज है बस, सारे कंटेंट आपको वही मिलेंगे, थोड़े बहुत मिसमैच होते हैं तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होता है। ओके, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, बस एक दो यूनिवर्सिटी और भी बची है, हम फटाफट उसके बारे में भी देख लेते हैं चीजें क्या है और क्या पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है गलगुटियाज यूनिवर्सिटी। ओके, जिसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है, डिजिटल कंप्यूटर्स फंडामेंटल के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारा सिलेबस इसमें, प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ना है, प्रोग्रामिंग इनहेंशियल इन सी लैब के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब, मतलब जो आपको थ्योरी पढ़ना है भाई उसका लैब हमें करना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि लैब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बीसीए का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें लैब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप ओ लेवल भी अगर पढ़े तो उसमें भी आपका लैब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी कम लैब ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि आपको सारा का सारा किस पे करना है काम, हमें सिस्टम पे काम करना है, कंप्यूटर या लैपटॉप पे। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी है, इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, डिजिटल टेक्निक फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है, डियर कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना, ठीक है। तो ये आपकी थी संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में, हमें दो चार पॉइंट पढ़ना है ये सारी चीजें। ओके, तो ये आपके कुछ यूनिवर्सिटी थे जो मैंने सोचा, वो जो हमने अभी वीडियो आपका स्टार्ट किया था बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहां पे वीडियो देख ले। उस वीडियो में ये सारे जो मैंने आज यूनिवर्सिटी के नाम बताया आपको सिलेबस, वो सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए आप लोगों के पास उस कमेंट का आंसर आप लोगों के पास मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई है, आई होप आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कहीं भी डियर आप लोगों को कोई परेशानी हुई होगी तो बिल्कुल भी आप हमें फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर, आप हमें कॉल व्हाट्सएप मैसेज भी करिएगा, हमारी टीम पूरा फुल सपोर्ट करेगी आप लोगों को। बाकी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है हमसे कॉन्टेक्ट करिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करेगा ताकि जो लोग बीसीए भी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो वो लोग भी परेशान ना हो, सिलेबस को देखें और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस करें। मिलते हैं ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।